हाय एवरीवन, हम लोग ध्रुव राठी की वीडियो बहुत टाइम बाद देखने वाले हैं। बहुत वीडियोस के बाद रिएक्ट करने वाले हैं। हंसने वाली बात ही, बहुत सीरियस वीडियो है। इट्स ईरान वर्सेस इजराइल गोइंग ऑन, और हमको थोड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए। हमको थोड़ा वी नीड टू सी हाउ सीवियर इट इज़, हाउ सीरियस इट इज़, और कितना सीरियस हो सकता है, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, और इससे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी, क्या क्या कंट्रीज में बदलाव आएगा, क्या रिलेशनशिप चल रहा है और किस तर्ज की हो रही है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, इस वीडियो से पता लगेगा। और फिर बाय द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोना डिस्कस फ्यू थिंग्स, जैसे कि मैं किसकी साइड पर। नो जोक्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाइज, एक पर्सनल चीज़ हमारे साथ शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी साल हो गए ना वीडियो बनाते हुए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीडियो मेकिंग हैज़ बिकम अ थेरेपी फॉर मी। आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस टू यू, बट इट्स लाइक वेरी स्ट्रेस रिलीविंग फॉर मी। इट्स वेरी कामिंग एंड इट्स थेरेप्यूटिक। बस मेरा, मुझे सुकून होता है। पर चलो हम वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें। 3, 2, 1 गो। नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इजराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयोतुल्ला अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर्स आप देख सकते हैं। एक ये देखिए, 30 फीट गहरा क्रेटर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के एकदम बाहर। सदन इजराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगी। हालांकि इजराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इसराइल ना सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हूतीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, और अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26वीं बार World War III का ऐलान कर दिया है। The world on the brink of World War III. World War III has already started. The world war is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस वॉर में कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ये धीरे धीरे एक रीजनल वॉर बन सकती है मिडिल ईस्ट में। लेकिन इसे World War III कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरान के देश ने इसराइल के देश पर हमला किया हो इस साल। कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार हुई इसराइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है कि हमारे न्यूज चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी का प्रचार करने में बिजी थे, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ये कई दशकों में पहली बार था कि किसी और देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 की गल्फ वॉर में था कि सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल्स छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। लेकिन अभी अप्रैल में क्या कारण था ईरान ने यह हमला किया? ईरान कहता है रिवेंज, रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल के अराउंड इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश की कैपिटल सिटी डमास्कस में।
इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश के अगर आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा, और यहाँ तो एम्बेसी पर बम गिराया गया। तो अगला सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों करी। इसराइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्ला के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड था। ये हिजबुल्ला क्या है और इसका ईरान से क्या लिंक है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इसराइल के ऊपर, तो इसराइल की एलाइड कंट्रीज ने भी इसराइल की मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और इवन जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अमेरिका ने ही मार गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स ने भी कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया, और इसराइल के अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल्स को रोक दिया। अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ईरान और इसराइल के देश एक्चुअली में काफी दूर है एक दूसरे से। इन दोनों देशों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करीब 1000 किलोमीटर का है। तो अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इसराइल के ऊपर, तो एक ड्रोन को ईरान से इसराइल तक जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंसेस की अगर बात करें तो इनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इतनी दूर से रॉकेट फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम जरूर डोम है, लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इसराइल के आसमान में लगी हुई। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाले हैं, और उनके गिरने से पहले उन रॉकेट्स को अपनी मिसाइल छोड़कर फोड़ देता है। इसी चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये शब्द आप कई जगहों पर देखोगे जब आप इसकी खबरें पढ़ोगे। तो आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर और दूर से कोई मिसाइल फेंकी जा रही है तो उसके लिए इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक है डेविड स्लिंग, जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए है, 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। लेकिन ईरान का देश तो 1000 किलोमीटर दूर है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी, उनसे ना तो आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है ना ही डेविड स्लिंग। उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इसराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस तक से कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसे भी एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम ने, जिसे वीडियो पर कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर थी। इस वीडियो में आप देख सकते हो, बड़ा ही कमाल का वीडियो है ये। तो सुनने में तो बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आपको लगेगा कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इसराइल के ऊपर, इसराइल का देश हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इन सारे डिफेंसिव सिस्टम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करना बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। जैसा मैंने बताया, किसी भी मिसाइल को अपने देश के ऊपर गिरने से रोकने के लिए ये सभी डिफेंस सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, एक और मिसाइल छोड़ रहे हैं जो उस मिसाइल को फोड़ेगी। तो ये आयरन डोम का सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उसका नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट है $50,000। दूसरा इनका डेविड स्लिंग, जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल की कॉस्ट है $1,000,000 पर मिसाइल। और सबसे भयानक इनका एरो सिस्टम, जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है $1,000,000 पर मिसाइल। अप्रैल में जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था तो सिर्फ एक दिन का खर्चा इनके लिए करीब $200 मिलियन का आया था। इमेजिन करके देखो, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल्स की। अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ी जाएंगी तो इनके ये डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाएंगे, क्वांटिटी की वजह से और पैसे की वजह से। यही कारण है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन नासर कनानी ने बयान दिया कि ये सारे स्ट्राइक्स एक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस थे, और वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं करा गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान धमकी दे रहा है इसराइल को, शुक्र मनाओ हमने और ज्यादा हमला नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वो अपने आप में कुछ कम डरावने नहीं है। कुछ मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में, वो स्टेट ऑफ द आर्ट थी, जिनका पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो पिछले ही साल बनी थी, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल्स। BBC के द्वारा निकाली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं इनकी सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज। लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स इनकी शहाब 3 है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। जो मिसिंग है इस नक्शे से वो है 2023 की फतेह मिसाइल्स। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज। ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है, जो कि 15 गुना ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से। यानी कि कुछ मिनटों का ही समय लगेगा ईरान से इसराइल तक पहुंचने में।
precisely hit any target within the range of 870 miles. And there exists no system that can rival or counter this missile. बहुत से लोग यहाँ पर rockets और missiles को एक दूसरे से confuse कर देते हैं. ये दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे से काफी similar हैं, लेकिन असलियत में बहुत अलग हैं एक दूसरे से. हमास के द्वारा जो rockets फेंके जाते हैं इसराइल की तरफ, उनका size काफी छोटा होता है. वो जमीन से फेंके जाते हैं एक projectile में, यानी अंदाजा लगाया जाता है कि वो कहाँ पर गिरेंगे. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी तरफ एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती हैं. इनमें प्रिसिजन टारगेटिंग होती है. एग्जैक्टली कहां गिराना है इन्हें, वो कंट्रोल किया जा सकता है. सही में धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर गिर सकती हैं. ये सही में भयानक है देखना कि इंसानों ने कितने खतरनाक तरीकों के हथियार बना रखे हैं. यही कारण कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज एंड डीएस्केलेट. अब इसराइल पर हिजबुल्ला और हूतीज जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इसराइल ने रिटेलिएशन किया और गाजा पर बमबारी करी, उसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया. ये तीनों ग्रुप्स, गाजा में हमास, यमन के देश में हूतीज और साउथ लेबनन में हिजबुल्ला, इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है. यहाँ इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया गया है, यानी कि ईरान का देश इन्हें पीछे से फंड करता है, पैसे देता है और सपोर्ट करता है. इस सब के पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है, जिसे एक 20 मिनट के वीडियो में समझा पाना तो पॉसिबल है नहीं. लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर डाउट है, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में नहीं आता, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देखो. ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, उसे आंसर करने का. लेकिन सिर्फ यही नहीं, चैट जीपीटी आज के दिन एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, घर के कामों में, स्कूल के कामों में, या अपनी जॉब में, अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाने के लिए. यही चीज आपको सिखाने के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है चैट जीपीटी को मास्टर करने के ऊपर. 8.5 घंटे से ज्यादा का ये कोर्स है, जिसमें आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस फील्ड में. स्क्रीन पर आप कुछ लेटेस्ट रिव्यूज देख सकते हैं लोगों के, जिन्होंने इस कोर्स को लिया और उनका क्या फीडबैक रहा. इस कोर्स में मैं टाइम टू टाइम नए लेसन भी ऐड करते रहता हूं, जब भी इस टेक्नोलॉजी में कोई नई इंप्रूवमेंट आती है. और ये सारे अपडेट्स कंप्लीटली फ्री होते हैं, आपको बस 1 टाइम परचेस करना है. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए yes43% off पाने के लिए. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं. अब टॉपिक पर वापस आते हैं. हिजबुल्ला की स्पेसिफिकली बात करें तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हेविली आर्म्ड नॉन स्टेट ग्रुप्स में से है. एक शिया मिलिटेंट ग्रुप जो उभर कर आया था साल 1982 में, जब इसराइल ने लेबनन देश का इन्वेजन किया था. साल 1985 में ये ऑफिशियल बने और अपना मैनिफेस्टो बनाया इन्होंने कि ये लेबनन से वेस्टर्न पावर्स को बाहर निकालेंगे और इजरायली स्टेट के डिस्ट्रक्शन की मांग करते हैं. ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के देश हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, हालांकि भारतीय सरकार ऐसा नहीं मानती. लेबनान के देश में जो सदन हिस्सा है, करीब 22 साल तक उसे इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा था. हिजबुल्ला ने ही एक्चुअली में साल 2000 में इसराइल को वहां से धकेल कर निकाला था. साल 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में एक और जंग हुई थी, जो करीब 34 दिन तक चली, लेकिन इस जंग को दोनों में से कोई भी नहीं जीता था. अगर आप लेबनान के देश में नक्शे पर देखोगे तो एक्चुअली में काफी बड़ा एरिया हिजबुल्ला के कंट्रोल में है. ये पैरामिलिट्री ग्रुप एक्चुअली में कई मायनों में लेबनान की खुद की आर्मी से ज्यादा पावरफुल है. सम कंट्रीज क्लासिफाई हिजबुल्ला एज अ टेरर ग्रुप. More powerful than the state, more armed than the Lebanese army itself. आज के दिन हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जो वॉर है, ये काफी ओपनली चल रही है पिछले कई महीनों से. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सारी वॉर शुरू हुई. और उसके अगले ही दिन 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्ला ने ऑफिशियली एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी इसराइल के खिलाफ. दूसरी तरफ अगर हूतीज की बात करी जाए, इनकी शुरुआत 1990s में हुई थी. इसके पीछे कारण था शिया मार्जिनलाइजेशन और बढ़ता हुआ फॉरेन इन्फ्लुएंस यमन के देश में. हूतीज को भी कई सारे देशों के द्वारा एक आतंकवाद संगठन माना जाता है, और ये यमन की सरकार के ऑपोजिशन में रहे हैं. इंटरेस्टिंगली हूतीज को भी इंडियन सरकार एक आतंकवादी संगठन नहीं मानती. ईरान के अलावा कहा जाता है कि रशिया भी हूतीज की फंडिंग करता है, और सऊदी की जो गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया यमन के बॉर्डर पर है. सऊदी अरेबिया यमन सरकार के सपोर्ट में है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. इस नक्शे में आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया और ईरान दो बड़ी रीजनल पावर्स हैं मिडिल ईस्ट की, और अपने आसपास के देशों में दोनों ही देश या तो किसी दूसरी सरकार को सपोर्ट करते
करते हैं या उस सरकार के खिलाफ रेबल्स को सपोर्ट करते हैं। यमन में सऊदी की सरकार यमन सरकार के फेवर में और वहां के रेबल्स के फेवर में है ईरान। इराक में सऊदी इराक सरकार के फेवर में, ईरान रेबल शिया ग्रुप्स के फेवर में। सीरिया में भी यही हाल, लेबनान में भी यही हाल। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सारे सऊदी के फेवर में ज्यादा आते हैं और रशिया और चाइना जैसे देश ईरान के फेवर में ज्यादा आते हैं। तो आप मोटे मोटे तौर पर देख सकते हो कि किस देश का अलायंस किस तरफ है, और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया का देश ईरान के देश के भी काफी खिलाफ रहता है। इवन तो दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड है और ईरान शिया डोमिनेटेड है। इस चीज की बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। इजराइल पैलेस्टीन के अभी के युद्ध की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन किया, गाजा में इन्वेड कर दिया। गाजा में इतनी भयानक बमबारी करी इजराइल ने कि आज वो जगह रहने लायक बची नहीं है। दुनिया में ज्यादातर देशों ने जेनोसाइड करके पुकारा है उसे। 7 अक्टूबर 2023 और 22 सितंबर 2024 के बीच में 41,431 पैलेस्टीनियन लोग मारे जा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। जोनाथन ग्लेजर, एक ज्यूइश फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने पिछले साल ऑस्कर जीता अपनी होलोकॉस्ट के ऊपर एक फिल्म के लिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि होलोकॉस्ट के जख्मों के नाम पर जिस तरह एक दूसरे समूह को टॉर्चर किया जा रहा है, इस किस्म की ज्यूइशनेस को मैं नकारता हूं। Our film shows where dehumanization leads at its worst. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Inki film The Zone of Interest fascism ke horrors ko bahut badhiya tarike se capture karti hai. Agar kabhi mauka mile to zarur dekhna. Ab ye jo current war chal rahi hai, isme Hezbollah actually mein kafi powerful nikli. Israel aur Lebanon ke border par kareeb 80,000 se zyada Israeliyon ko apne shahar aur nagar chhodne pade kyunki daily wahan se rocket fire aata tha. हुतीज ने रेड सी को डिस्टर्ब किया है वहां आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल से हमला करके। करीब $1 trillion के लॉसेस हुए हैं ट्रेड में इसकी वजह से। अप्रैल के हमले से पहले ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर में, हालांकि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कराया जा रहा था, लेकिन 14 अप्रैल को ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी जाती है। अब से ज़ायनिस्ट रेजिम अगर हमारे इंटरेस्ट, एसेट्स और लोगों या सिटीजन पर हमला करेगी तो हम काउंटर अटैक करेंगे, ये कहा जाता है IRGC के हेड हुसैन सलामी के द्वारा। फिर 31 जुलाई को एक बड़ा हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है ईरान की राजधानी तेहरान में। इस्माइल हनैया, हमास के पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. किसने मारा? ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बात ऑब्वियस है कि इसराइल को यहाँ सस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई में ही ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने कह दिया था कि ब्लड विल नेवर बी वेस्टेड। रिटेलिएशन की वार्निंग्स तभी से आनी शुरू हो गई। फिर 2 महीने बाद 17 सितंबर को इनफेमस पेजर हमला होता है हिजबुल्ला पर। ढेर सारे हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स के पास जो पेजर डिवाइसेस थे वो फट जाते हैं, कई सारे लोग इनके मारे जाते हैं इसमें। और 20 सितंबर को एक और हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है। इब्राहिम अकील, हिजबुल्ला के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यूनिट का कमांडर। ये सब ईरान के प्रॉक्सीज थे, तो जाहिर सी बात है ईरानियन सरकार इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होते हैं। 25 सितंबर को हिजबुल्ला के मिसाइल यूनिट का लीडर मारा जाता है। 27 सितंबर को IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निल्फोरोशन एक एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक हिजबुल्ला के मेन हेडक्वार्टर पर करी गई थी, और इसी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के टॉप लीडर हसन नसरल्ला भी मारे गए, जो कि 1992 से जनरल सेक्रेटरी रहे थे हिजबुल्ला के। लेकिन बड़े से बड़े लीडर्स मारे जाने के बाद भी लेबनान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक्स आज भी चलती जा रही हैं। हिजबुल्ला की तरफ से भी रॉकेट्स इजराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं, ये वॉर रुकी नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करीब 1,000 लोग मारे गए इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में। यूनाइटेड नेशंस और यूएसए दोनों इन सारे अटैक्स को लगातार कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की तरफ से रुकने का कोई संकेत सामने नहीं आ रहा। 1 अक्टूबर वाले इस लेटेस्ट अटैक की अगर हम बात करें जो ईरान ने किया, तो इजरायल को शुरुआत में तो कोई संकेत नहीं दिख रहे थे कि ईरान भी उन पर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका वो देश था जिसने सबसे पहले इस अटैक को एंटिसिपेट किया और इसराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 बजे IDF ने कंफर्म कर दिया था कि मिसाइल्स ईरान से इसराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं, और पूरे देश भर में सायरन्स बजने शुरू हो गए थे।
ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने IRGC को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है कि हिजबुल्ला के लीडर को मारा गया था, क्योंकि इसराइल ने वो लेबनन पर स्ट्राइक्स करी थी जिसमें हिजबुल्ला के लीडर्स मारे गए, इसलिए अब ईरान उसका रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान का ये हमला दिखने में जरूर खौफनाक लगा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक ही इंसान मारा गया, एक पैलेस्टीनियन इंसान वेस्ट बैंक में। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने धमकी दी, ये कहते हुए जैसे गाजा, हिजबुल्ला और लेबनन का हाल हुआ है, ईरान भी इस मोमेंट को रिग्रेट करेगा। इनके प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इसराइल रिटेलिएट करेगा। कुल मिला के बात यही है कि यहाँ एक के बाद एक रिटेलिएशन चल रहा है, कोई यहाँ इसका बदला ले रहा है, कोई वहां उसका बदला ले रहा है और मारे जा रहे हैं यहाँ पर मासूम आम लोग। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम किया किसी एक पर्टिकुलर देश को ब्लेम करने की जगह। इंडियन सरकार की तरफ से रिएक्शन भी सिमिलर ही रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के इस हमले का कोई डायरेक्ट अनइक्विवोकल कंडेमनेशन नहीं किया है। इंडिया की तरफ से बस स्टेटमेंट आई है, वी आर डीपली कंसर्न एट द एस्केलेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, वी अर्ज दैट ऑल इश्यूज बी एड्रेस्ड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। सभी इंडियन सिटीजंस को कहा गया है कि ईरान में सारा नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड किया जाए, जो लोग ऑलरेडी ईरान में रह रहे हैं वो विजिलेंट रहें और इंडियन एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी सिमिलर लाइंस पे अपनी स्टेटमेंट दी, हम समझते हैं कि इसराइल को जरूरत थी रिस्पॉन्ड करने की, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई भी देश रिस्पॉन्ड करता है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को अकाउंट में लिया जाना चाहिए, ये केयरफुली देखा जाना चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। आप लोगों को यह समझना चाहिए दोस्तों कि जब भी ऐसी सिचुएशन कहीं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है। ये पॉलिटिशियंस जो एक के बाद एक रिटेलिएशन करते रहते हैं, बदले के बाद बदले लेते रहते हैं, अक्सर खुद की जनता भी इन्हें सपोर्ट नहीं करती। इन सरकारों के टिट फॉर टैट अप्रोच को देखकर महात्मा गांधी जी की एक लाइन बड़ी अच्छी फिट बैठती है यहाँ पर, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर इस वॉर को और फैलने से रोकना है तो महात्मा गांधी जी की दिखाई गई राह पर ही हमें आगे बढ़ना होगा। कई लोग इन सारी वॉर्स के पीछे वेपन्स माफिया को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, वो हथियार बनाने वाली कंपनीज जो इंटरनेशनली अपने हथियार बेचती है, और अगर दुनिया में कोई वॉर नहीं होगी तो उनके हथियार कोई खरीदने वाला भी नहीं रहेगा। इसी वेपन्स माफिया को मैंने इस वाले वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को कंक्लूड इस बात पे करूँगी कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या मेरे जितना भी सर्कल है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो कुछ ना कुछ कमेंट या कुछ ना कुछ साइड लेते रहते हैं। मोस्टली ईरान की साइड पे होता है कि बहुत अच्छा अटैक जा रहा है, अच्छा किया है इन्होंने, अटैक किया है। इसी तरह अगर कोई इंडियन मेरे साथ कनेक्टेड है तो वो इसराइल के सपोर्ट में होते हैं। आखिरी बात जो है ना, वो मैंने बहुत पहले से और इससे पहले भी वीडियोस में रिपीटेडली यही बात की है कि जब कोई भी कंट्री के पॉलिटिशियंस या पीपल इन पावर डिसाइड टू अटैक अनदर कंट्री, तो वो लोग खुद सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लोग हैं। वो खुद तो जा नहीं रहे लड़ने के लिए, वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, वो खुद को, वो दे हैव द प्रिविलेज टू लीव द कंट्री, टू फ्लाई फ्रॉम द कंट्री, कहीं और पे वो छुप भी सकते हैं। तो नुकसान किसका है? एक तो बेवकूफ़ाना इमोशन जो आवाम का है कि हाँ अटैक करना चाहिए, हाँ इनको मज़ा चखाना चाहिए। भाई आप, हम तो इस मुल्क से देख रहे हैं ना, अगर हम लोग अंडर वॉर हों तो हम लोगों का और पर्सपेक्टिव होगा कि प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। हम लोगों ने, एक आम बंदे ने, उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, बड़ा उसने टाइम स्पेंड किया होता है, वो कुछ चाहता होता है अपनी लाइफ से, उसके कुछ गोल्स होते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लाइफ गुजारनी है, मैंने ये अचीव करना है, ये अकम्प्लिश करना है। वॉर की सिचुएशन में ये सब चीज़ें सीज हो जाती हैं। कोई भी अपनी ज़िंदगी का छोटा सा टाइम भी वॉर में नहीं ज़ाया करना चाहता। तो एक तो दूर से देखकर ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम इसकी साइड लेते हैं, हम उसकी साइड लेते हैं। वॉर शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, उसको कंडेम करना चाहिए, और हरगिज़ इस तरह की मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए कि भाई इसको मारें और उसको मारा जाए, क्योंकि आप खुद नहीं लड़ रहे हो और जो लोग पावर में हैं वो भी नहीं लड़ रहे हैं। तो सिर्फ जो लोकल वहाँ पे लोग हैं, पैलेस्टीनियंस, इसराइली, जो भी हों, या यूक्रेन में जब वॉर चली थी तो जो लोकल लोग थे वो लोग मारे जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि दूर दूर से मशवरे मत दे, दूर दूर से साइड वगैरह मत लें, वॉर को
कंडेम करें हर हालत में, और अच्छी वीडियो थी। और ये मैटर डेवलपिंग है, इसका अभी कोई रिजल्ट नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि इसराइल, हमें नहीं पता कि किस तरह से रिएक्ट करेगा, हमें नहीं पता कि ईरान आगे से क्या करेगा। हाँ, ये हमें पता है कि डीडी का जो मैटर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीडी, इफ़ यू गाइज आर कीपिंग अप विद द डीडी स्टोरी, प्लीज़ लेट मी नो आर डीडी डू इट। आप लोगों को पता है ना मैं क्या बात कर रही हूँ, होल हॉलीवुड इज़ अंडर अटैक। दैट इज़ ए मोर कंसर्निंग मैटर कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ वर इन अ फ्रीकी पार्टी। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट रिएक्शन में, ये डिवेलप हो जाए थोड़ा सा और फिर जानेंगे। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ नॉलेज और आउट ऑफ थोड़ा समझाना होता है कि प्लीज़ पॉलिटिक्स से दूर रहें, रिलीजन के मैटर से दूर रहें, और बस जस्ट कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करें। ये एक मैसेज है और आप लोगों से मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब्सक्राइब और बाय बाय।